नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे रिच और क्रीमी मिल्क शेक बनाना और चेरी का। बहुत जल्दी बनने वाली बेहद स्वादिष्ट रेसिपी, आइए बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिए हैं 3 बड़े पके हुए केले, साथ ही में मैंने लिया है यहाँ पर आधा कटोरी चेरी। आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार ली है मैंने चीनी। चीनी की जगह अगर आप चाहें तो इसकी रिचनेस बढ़ाने हनी भी यूज कर सकते हैं। लिया है मैंने 500 ml दूध और साथ ही इसकी क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए मैंने लिया है 10 रुपए वाला मिल्क पाउडर का एक पाउच। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केले जो है उनको छिलके उतार लेंगे और बारीक टुकड़ों में इनको कट कर लेंगे। केले जो है हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिए हैं। इनको डाला है हमने एक बर्तन में, साथ ही में हम डाल रहे हैं हमने जो चेरी ले रखी थी वो भी, साथ ही में डालेंगे हम स्वाद के अनुसार जो चीनी रखी है वो भी। क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए हमने जो मिल्क पाउडर लिया हुआ है वो भी हम इसमें पूरा डाल देंगे, और साथ ही में हमने ये जो दूध ले रखा है वो भी हम पूरा डाल देंगे। ये जो सारा मिश्रण बना दिया है हमने वो आप जूसर के जार में या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। शेक हमारा बनके रेडी है, आइए इसको परोसते हैं ग्लास में। शेक हमारा बनके रेडी हो गया है, आपके सामने परोसा है मैंने इसे गार्निश करके बनाना और चेरी के साथ ही। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर हाँ अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए।